नमस्कार, मैं शालिनी भास्कर, प्रवक्ता CDDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। मेरा सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन सेकेंड, जिसका कोर है CD208। आज का यूनिट है थर्ड, जिसका सेकेंड टॉपिक टाइप ऑफ स्कर्ट्स। आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कर्ट्स के बारे में बात करेंगे। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि फैशन कितना विकसित हो रहा है, स्कर्ट हमेशा परिधान उद्योग में एक आधारशिला रही है। स्कर्ट एक आधुनिक पहने जाने वाली लचीली पसंद है। जब यह दिन के लिए सही पोशाक चुनने की बात आती है और आपको सबसे अधिक प्रोफेशनल और कैजुअल वेयर तक के लुक प्रदान करती है, क्योंकि स्कर्ट्स कई प्रकार की शैलियों और लंबाई में उपलब्ध है। स्कर्ट सदियों से और विभिन्न प्रकार के विकसित हुए हैं, जैसे स्कर्ट की लंबाई में बदलाव या उसकी पूर्णता में बदलाव आता है तो उसका स्टाइल और फिगर हैंगिंग और वॉल्यूमनेस चेंज हो जाते हैं। स्कर्ट एक कमर पर जोर दे सकते हैं या हेमलाइन को बदल सकते हैं। अपने फिगर और फैशन स्टेटमेंट के लिए परफेक्ट स्कर्ट बनाने के लिए सही पैटर्न और फैब्रिक द्वारा हम एक सही और अच्छी स्कर्ट बना सकते हैं। स्कर्ट के विभिन्न प्रकार और विविधता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि स्कर्ट पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र है? क्लट से लेकर के सारोप तक स्कर्ट ने आधुनिक फैशन और ड्रेस कोड पर प्रभाव डाला है। अब हम स्कर्ट की लेंथ कितनी होती है उसके बारे में बात करेंगे। इस चित्र के अनुसार हम देख सकते हैं कि माइक्रो स्कर्ट, जिसे एक्सट्रीमली शॉर्ट 8 to 10 inches की लेंथ रहती है। फिर हम बात करते हैं मिनी, दिस स्कर्ट लेंथ एंड ऑफ मिड थाई तक इसकी लेंथ होती है। अब बात करते हैं नी लेंथ की, इट इज ए स्कर्ट दैट इज ए यूजुअली अबाउट द नी। अब हम बात करते हैं नी की, इट इज स्कर्ट दैट इज टिल द नी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिलो नी, इट इज ए स्कर्ट दैट जस्ट बिलो द नी व्हील स्टैंडिंग द नी आर नॉट विजिबल, इसमें नी नहीं नजर आती। मिडी, इट इज ए स्कर्ट दैट इज ऑफ द काफ लेंथ, मिडी की लेंथ काफ लेंथ तक रहती है। मैक्सी, इट इज ए स्कर्ट दैट इज ए बिलो द काफ लेंथ, जो कि काफ लेंथ से नीचे आती है। अब बात करते हैं हम एंकल लेंथ की, इट इज ए स्कर्ट हुज हेम इज जस्ट अबाउट दिस शूज। लास्ट में बात करते हैं फ्लोर लेंथ, जिन स्कर्ट की लेंथ फ्लोर लेंथ वाली होती है, इट इज ए स्कर्ट दैट विल वेयरिंग कवर द शू। इस तरीके से हम जो स्कर्ट्स होती हैं उनकी लेंथ को डिसाइड करते हैं और उनका नाम डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्कर्ट्स। सबसे पहले नंबर पर है ए लाइन स्कर्ट, सेकेंड नंबर पर है असिमेट्रिकल स्कर्ट, थर्ड हमारी है शेप्ड बेल शेप्ड स्कर्ट, फोर्थ नंबर पे है हमारी बबल स्कर्ट, फिफ्थ नंबर पे है बस्टल स्कर्ट, सिक्स नंबर पे है बूमस्टिक स्कर्ट,
सेवेंथ में हमारी सर्कुलर स्कर्ट, एट नंबर पे हमारी डेनिम स्कर्ट और नाइन नंबर पर है टर्टल स्कर्ट, टेन पे हमारी ड्रेप स्कर्ट, इलेवन पे हमारी है फ्लेयर स्कर्ट, ट्वेल्व नंबर पे है कॉटेज स्कर्ट, थर्टीन पे हमारी गॉड स्कर्ट, फोर्टीन पे हमारी है जिप्सी स्कर्ट, फिफ्टीन पे हमारी हाई वेस्ट स्कर्ट, सिक्सटीन पे हमारी लेयर्ड स्कर्ट, सेवेंटीन पे हमारा मैक्सी स्कर्ट, एटीन पे हमारा है फिश टेल स्कर्ट, नाइनटीन पे है मिनी एंड माइक्रो मिनी स्कर्ट्स, ट्वेंटी नंबर पे है पेजेंट स्कर्ट, ट्वेंटी वन पे हमारा पेंसिल या फिर ट्यूब स्कर्ट, ट्वेंटी टू नंबर पे है प्लीटेड स्कर्ट, ट्वेंटी थ्री पे हमारा कॉटन स्कर्ट, ट्वेंटी फोर पे है सारोंग स्कर्ट, ट्वेंटी सिक्स पे स्पोर्ट स्कर्ट, ट्वेंटी सेवन पे है स्ट्रेट स्कर्ट, ट्वेंटी एट नंबर ट्राउजर स्कर्ट, ट्वेंटी नाइन है ट्यूलिप स्कर्ट। इस तरीके से हमने देखा कि इतनी सारी स्कर्ट जिनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ए स्कर्ट की। ए स्कर्ट नाशपाती के आकार की होती है, जिसे हम लेटर ए के अनुसार की तरह देख सकते हैं। यह आमतौर पर घुटने की लंबाई वाली होती है। ए लाइन स्कर्ट कमर से बाहर निकली होती है और कूल्हों पर चिपकी रहती है। अपने फ्लेयर शेप की वजह से चलने में आसानी रहती है और फ्रंट और बैक में स्लिट की आवश्यकता नहीं होती। इसके स्पेशल फीचर्स हैं, कमर की लंबाई पर सबका ध्यान आकर्षित करती है, इनकी लंबाई नी लेंथ तक रहती है। इसमें हम फैब्रिक, सिल्क, कॉटन, वूलन, लिनन, लेस और का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं असिमेट्रिकल स्कर्ट, जिसे हम विषम स्कर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस स्कर्ट की लंबाई हेम पर अलग अलग होती है। इन्हें आमतौर पर हाई लो स्कर्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसके स्पेशल फीचर होते हैं, लुक लाइक एलिगेंट, बेसिक लेंथ इसकी होती है, वेरिएबल लेंथ यानी विभिन्न प्रकार की लेंथ हो सकती है इसकी। इसका बेस्ट ओकेजन होता है कैजुअल वेयर के रूप में। और फैब्रिक हम यूज़ करते हैं इसमें कॉटन, लिनन, सिल्क, सैटिन, ब्रॉकेट एंड लेस। थर्ड हम देखते हैं, अब हम देखते हैं बेल शेप स्कर्ट। जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है कि यह स्कर्ट वेस्ट पर सीट से थाई और फ्लेयर फ्रॉम द वेस्ट लाइन एंड द फॉल स्ट्रेट टू द नी जस्ट लाइक अ बेल। यह घंटी की तरह सीधे घुटनों पर गिरती है। यह भारी कपड़ों से बना रहता है ताकि यह जगह पर रहे और आकार ना खोए। इसका स्पेशल फीचर ये होता है कि एडिड वॉल्यूम बिलो वेस्ट लाइन। बेसिक लेंथ इसकी होती है नी लेंथ और काफ लेंथ तक। ठीक है, फैब्रिक हम इसमें सिल्क और ब्रॉकेट दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा बबल स्कर्ट, इसे हम बुलबुला स्कर्ट के नाम से भी जानते हैं। 1950 के बाद लोकप्रिय नाम
1950 के बाद यह बुलबुला स्कर्ट के नाम से लोकप्रिय हुई। इसका अर्थ है कि एक बुलबुला प्रभाव जब टक्ड बैक अंदर वापस नीचे की तरफ टक किया जाता है, यह कर्वी लुक देता है। इसीलिए उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है जो स्वैच्छिक नहीं दिखना चाहते। जो लोग स्वैच्छिक नहीं दिखना चाहते, ये उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। इसके स्पेशल फीचर है एनहेंस वॉल्यूम एट द हिप बेसिक, और इसकी बेसिक लेंथ है अबाव नी लेंथ। फैब्रिक है लिनन, सिल्क और सैटन। अब हम बात करेंगे पस्टल स्कर्ट की। ये स्कर्ट क्रोनोलिन का एक समकालीन अडेप्टेशन है जो महिलाओं द्वारा उनके कपड़े पहने हुए थे, ये पहले अपनी ड्रेस को आकार देने के लिए स्टॉकिंग और गार्डर्स के साथ पहने जाते थे। बाद में इसे क्रॉप टॉप और कॉर्सेट्स के साथ पहना जाने लगा। इसके स्पेशल फीचर्स हैं कंटेम्पररी स्टाइल, समकालीन लेंथ इसकी होती है नी लेंथ, एंकल लेंथ और काफ लेंथ। फैब्रिक हम कौन सा यूज़ करते हैं, सिल्क सैटिन ब्रॉकेट एंड नेट। नेक्स्ट हमारा है ब्रूमस्टिक स्कर्ट। यह स्कर्ट कैजुअल पहनने का अच्छा ऑप्शन है और लंबाई के साथ रिंकल्स होते हैं। जब कपड़ा गीला होता है तो रिंकल्स आते हैं और पूरे समय समान रहते हैं। यह परफेक्ट काउबॉय लुक प्रदान करता है। इसका स्पेशल फीचर है मेक यू लुक स्लिमर विद ए शबी टिनी। बेसिक लेंथ इसकी होती है एंकल लेंथ। अब बात करते हैं हम सर्कुलर स्कर्ट की। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि स्कर्ट हेम लाइन पर एक परफेक्ट सर्कल बनाती है। इसमें आमतौर पर एक पतली कमर होती है और एक लाइन की तरह बाहर निकलती है। इसका स्पेशल फीचर है परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फॉर्मल एंड कैजुअल वेयर। बेसिक लेंथ इसकी होती है अबाउ नी लेंथ एंड काफ लेंथ। तो फैब्रिक हम कौन सा यूज़ करते हैं, कॉटन लिनन सिल्क सैटन लेस एंड नेट। अब हम बात करते हैं डेनिम स्कर्ट के बारे में। डेनिम स्कर्ट पहले हिप्पियों द्वारा पहना जाता था, जिन्होंने एक साथ सिलाई करके डेनिम जीन्स को रिसाइकल करने की कोशिश की, फैशन की दुनिया में आगे चलकर क्रांति का काम किया और आज ये काउबॉय लुक स्टाइल के नाम से प्रचलित है। स्पेशल फीचर्स हैं इसके डेनिम फैब्रिक इमिटेटिंग द जीन्स। बेसिक लेंथ इसकी होती है ऑल लेंथ, कुछ भी हो सकती है इसकी। फैब्रिक हम कौन सा यूज़ करते हैं, डेनिम। अब हम बात करेंगे डर्डल स्कर्ट। ये बबल स्कर्ट की तरह होती है। दैट दे आर नॉट कम अप एट द हेम, दे यूजली फ्लेयर आउट फ्रॉम द हेम। इसके स्पेशल फीचर होते हैं इन्हांस्ड वॉल्यूम एट द वेस्ट। बेसिक लेंथ इसकी अबाव नी लेंथ। फैब्रिक हम यूज़ करते हैं लिनन सिल्क और सैटिन। अब हम बात करेंगे ड्रेप स्कर्ट की। यह ट्यूलिप स्कर्ट से बहुत मिलता जुलता है। इसमें अंतर सिर्फ यह रहता है कि वेस्ट पर
लिपटी हुई होती है और अत्यधिक चमकदार प्रभाव देती है। इसका स्पेशल फीचर है स्लिम एंड ओवरलुक कॉन्ट्यूर। बेसिक लेंथ इसकी होती है अबाव नी लेंथ एंड नी लेंथ, दोनों हो सकती है। फैब्रिक इसमें हम लिनन, सिल्क, सेटिन और वूलन यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लेयर स्कर्ट की। ये ए लाइन स्कर्ट से बहुत मिलती जुलती है और हेम लाइन से अत्यधिक सुंदर होती है। ये पार्टी और इंटरव्यूज दोनों के काम कर सकते हैं। स्पेशल फीचर होते हैं इसके, एड्स एंड ऑरा ऑफ हाइट टू दी बॉडी। बेसिक लेंथ इसकी होती है नी लेंथ, काफ लेंथ एंड एंकल लेंथ। फैब्रिक इसमें यूज़ करते हैं कॉटन, लिनन, सिल्क, सैटिन एंड लेस एंड नेट्स। अब हम बात करते हैं गॉर्डेट स्कर्ट की। ये स्कर्ट ए लाइन श्रेणी में ही आती है। स्कर्ट में अधिक घेर के लिए ट्रायंगुलर फैब्रिक इंसर्ट करके हेमलाइन को इन्हेंस किया जाता है और वॉल्यूम दिया जाता है। स्पेशल फीचर्स रहते हैं, स्लिमर लुक देता है, हेमलाइन की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। बेसिक लेंथ है नी लेंथ, काफ लेंथ और एंकल लेंथ। फैब्रिक हम इसमें यूज़ करते हैं सिल्क, वूलन, जॉर्जेट, लिनन और कॉटन। अभी हमने देखा कि बहुत तरह की स्कर्ट्स आज के फैशन में चलती हैं, जो कि अलग अलग फिगर्स के अकॉर्डिंग को हम पहन सकते हैं और सुंदर दिख सकते हैं। धन्यवाद।